अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही हेल्दी ड्रिंक, करेले के जूस की ड्रिंक है ये। बहुत ही हेल्दी है स्किन के लिए और डायबिटीज़ वालों के लिए बहुत बहुत ही मज़ेदार ड्रिंक है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए, ये दो तीन करेले लिए थे मैंने, ये 250 ग्राम करेले लिए थे, उसको मैंने ऊपर से स्किन निकाल ली है और इसके बीज नहीं लेना है। अगर बीज डालोगे तो और ज़्यादा कड़वा हो जाएगा, इसीलिए मैंने इसके बीज निकाल लिए थे। इसको पील कर लिया था, अच्छे से छील के वॉश करके ले लिया था। ये देखिए, बीज निकाल लेना है और बारीक बारीक कट कर लेना है इसको, और मिक्सी में पीसना है। ये देखिए, मैं आपको बता रही हूँ वैसे ही कीजिएगा, और बहुत ही अच्छी ड्रिंक है ये, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। हेल्थ के लिए, स्किन के लिए भी बहुत अच्छी रहती है, और थोड़ी कड़वी रहती है लेकिन हेल्थ के लिए अच्छी है और फटाफट से बन जाती है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छे से मैंने बारीक बारीक कट कर लिया था इसको, और 250 ग्राम करेले में 1 ग्लास बन गई थी जूस। ये देखिए, मैंने डेकोरेट करने के लिए थोड़ा सा इसका पीस लेके शेप में कट कर लिया था, वो उससे मैंने डेकोरेट किया है इसको। और ये देखिए, मिक्सी में दाल लेना है और इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला है, क्योंकि थोड़ा कुछ तो टेस्ट आना चाहिए इसमें, इसीलिए मैंने इसमें नमक डाला था हल्का सा। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप मत डालिएगा, और डायबिटीज पेशेंट हो, अगर शुगर पेशेंट हो तो उसको ज़रूर दीजिए, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है ये ड्रिंक। मैंने काला नमक डाला था इसमें, आप नॉर्मल नमक भी डाल सकते हो। और ये देखिए, इसको छान लेना है मिक्सी में पीस के, और बीज निकाल के पीसोगे तो अच्छे से पीस जाएगा और ज़्यादा कड़वा नहीं लगेगा। और छोटे वाले साइज़ के लिए थे, बड़े साइज़ के नहीं लिए थे मैंने करेले। ये देखिए, मैंने छान लिया है, और ये थोड़ा सा इसमें फेस आता ही है, तो झाग आता है इसमें, तो आप थोड़ा वो कीजिएगा, झाग करेले में आता ही है। ये देखिए, मैंने इसको छान लिया है, अब मैं इसको ग्लास में निकाल लूँगी। और मैंने इसको थोड़ा अच्छा दिखने के लिए डेकोरेट किया था, करेले के जो पीस आते हैं उसको कट कर लिया था। ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और बहुत जल्दी बन जाता है ये ड्रिंक। और ये देखिए कितना कलरफुल लग रहा है, पीने में ज़रूर कड़वा लगेगा लेकिन इसके बेनिफिट बहुत सारे हैं, तो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूँगी, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और रेसिपी अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, कमेंट में मुझे बताइएगा कि कैसे लगी रेसिपी, और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर रेसिपी ज़्यादातर तो सबको पसंद नहीं है करेला, मैं मानती हूँ, लेकिन एक लाइक तो बनता है हेल्थ के लिए। तो ये देखिए, मैंने इसके बेनिफिट आपको बताए हैं। मैं मिलती हूँ न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।